मेहरदीन मेहरदीन 25 साल के उस जिस शरीयत का हवाला राशिद शरीफ दे रहे हैं पहले राजीव गांधी और जिस शरीयत का हवाला आप दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता सर कि बार बार शरीयत का नाम लेकर आप मुस्लिम महिलाओं का अधिकार दरअसल छीनते हैं? जब तक वो महिला दूसरी शादी नहीं करती, जब तक उसके खर्चे की गुजारे भत्ते की सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर होती है जो उसको तलाक देता है। आप ना शरीयत सही से पढ़े हो ना ही संविधान, आप पता नहीं क्या ही एजेंडा पढ़ के यहाँ पर बैठे हुए। अरे मेरी बात सुनिए, दोनों जजों की अलग अलग राय है। न्यायमूर्ति नजर आसन कहते हैं ताकि धारा 125 के सभी महिलाओं पर लागू होगा, ना कि सिर्फ जो जो शादीशुदा है महिलाओं पर। और पीठ ने कहा कि भरण पोषण दान नहीं है बल्कि विवादित महिलाओं का अधिकार है और ये सभी विवादित महिलाओं पर लागू होता है चाहे वे किसी भी धर्म की हो। तो दो जज हैं, दोनों की राय अलग है, आप जो फैसले कोर्ट कर रहे हैं, एक मिनट अंबर इनको कुछ आईना और दिखाने दीजिए। मेहरदीन लंगरेज सुनिए सर, एक तो सभी धर्मों के महिलाओं की बात है और अगर आप नहीं नहीं सुनिए, आपको कुछ और बता देता हूँ, एक मिनट आपको कुछ और बता देता हूँ, आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो जाएगी। अरे रुकिए भाई रुकिए, आप सुन लीजिए रुकिए, अरे रुकिए रुकिए मेहरदीन रुकिए, चिल्लाते नहीं है सर, रुकिए। मद्रास हाई कोर्ट का, अरे रुक जाइए भाई रुकिए, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन मद्रास, अरे रुकिए रुकिए मद्रास, अरे सुनिए प्लीज मेहरदीन, मुझे मजबूर मत करिए कि मैं आपकी आवाज डाउन करवाऊं, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत होइए। मद्रास हाई कोर्ट का फैसला, शरीयत काउंसिल तलाक का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती है। शरीयत काउंसिल ना तो कोर्ट है ना मध्यस्थ है, खुला का सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, नंबर एक। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, इससे पहले तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दोबारा शादी करने पर भी वो गुजारा भत्ता का अधिकार है, यहां तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था। महिलाओं के अधिकारों का सुरक्षा कानून 1986 MWPA, इसके तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार है एक मुस्लिम महिला। तो इससे पहले भी फैसला है सर, आप लोग आगे नहीं बढ़ते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए। सुनिए, अरे राकेश भाई आप देखिए मेरी बात सुनिए, जब किसी व्यक्ति का किसी महिला के साथ में तलाक हो जाता है तो उसका गुजारा भत्ता जो भी होता है वो एक साथ दे दिया जाता है। मगर जो ये मैं कह रहा हूँ, दो जजों ने ये फैसला दिया, दोनों की राय अलग अलग है। भाई राजीव, अरे सुनिए सुनिए, राजीव गांधी के समय संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था, मेहरदीन लंगरेज संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था राजीव गांधी के समय। राकेश जी बहुत चलिए, आपने शाजिया इल्मी का नाम लिया ना, आपने शाजिया इल्मी का नाम लिया ना, शाजिया इल्मी राजीव गांधी के समय तो संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था, तब क्यों नहीं मान लिया इन लोगों ने? मैं जज का नाम पूछ रहा हूँ फाजिया इल्मी से, दोनों जजों के नाम बता दीजिए, दोनों के फैसले बता दीजिए, दोनों ने क्या क्या फैसले दिए हैं ये बता नहीं पाएंगी। मगर ये आती है तो चिंतक बन जाती है मुसलमानों की आप इसलिए बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आप कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप जानते हैं जो आपने ट्रिपल तलाक बिल के आपका स्टैंड था वो कुरान सम्मत नहीं था, संविधान सम्मत आप होना नहीं चाहते लेकिन वो कुरान सम्मत नहीं था। लेकिन अब जो ये फैसला आया है वो वही फैसला है जो आया था 1985 में और तब राजीव गांधी की सरकार ने उसे पलट दिया था क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यानी कि मुसलमानों के वोट की फिक्र थी, मुसलमान औरतों की नहीं। क्या मुस्लिम महिला नहीं होती? राकेश जी हमें कैसे ऐसे बात कर रहे हैं? मेहरदीन 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 अंग्रेज प्लीज प्लीज प्लीज, अभी सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन एयर जा रही है, अभी सिर्फ शाजिया की आवाज ऑन एयर जा रही है, 30 सेकंड आप बोलिए फिर राशिद शरीफ आपके पास आ रहा हूँ, बोलिए सर। मुस्लिम महिला मुस्लिम नहीं है क्या? एक मुस्लिम महिला भारतीय नागरिक नहीं है क्या? वो सारे प्रावधान जो और महिलाओं को हमारा संविधान देता है क्या एक मुस्लिम महिला को नहीं मिलने चाहिए? क्या वो पार्टियां सिर्फ इसलिए मुस्लिम महिलाओं को अलग रखेंगी क्योंकि उनको वोट बैंक की राजनीति करनी है? क्या इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड के जो धर्म के ठेकेदार बने खुद को मौलाना कहते हुए लोग जो बाकायदा ठेकेदारी करते हैं वोटों की, क्या वो करेंगे फैसला कि देश की मुस्लिम महिलाएं कैसे रहेंगी? देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है एक बार नहीं कई कई बार
और मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ राकेश जी, हमारी सरकार जो है राजीव गांधी जी की सरकार की तरह नहीं है, वो मुसलमान महिलाओं के साथ उठी है और मुसलमान महिला भी भारतीय नागरिक है और मुसलमान महिला भी मुसलमान है। ठीक है मेहरदीन, प्लीज सर प्लीज पीछे से कमेंट्री मत किया करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कोई ना चुप हो जाए बार बार कहने पर कि फिर उसकी आवाज डाउन करवाइए प्लीज। अभी मैं राशिद शरीफ के पास जा रहा हूँ। राशिद शरीफ, शरीयत का नाम लेना, पर्सनल लॉ की दलील देना, सर ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। नंबर एक बात है, क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है, उनको गुजारा भत्ता मिले। नंबर दो बात है, ये सब दलील देकर सर आप मुस्लिम महिलाओं के हक में खुद क्यों नहीं खड़े हो जाते हैं पहले कि हम उनके हक की बात करेंगे? इतनी दिक्कत क्या है मुस्लिम महिलाओं से? ताके जी, मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड कोई बोर्ड ऐसा नहीं है कि पूरे मुसलमान है। तो आप एक बात देखिए, जो तलाक की बात हो रही है यहाँ पे जब हम है सो उनका मेहर अदा कर देते हैं, उससे बाद हमारा उनका ताल्लुक नहीं होता। तो मेहर मेहर की रकम अदा कर देना ये काफी है आपके हिसाब से? नहीं सर, आप देखिए अगर पहले तो एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं अंबर से पूछ ले रहा हूँ, समय थोड़ा सा कम है। अंबर यादी बतौर एक मुस्लिम महिला बताइए, मेहर की रकम अदा कर देना ये काफी है एक महिला के लिए, बात के गुजारा भत्ता के लिए, जीवन चला लेगी, बच्चों को पाल लेगी? बोलिए अंबर यादी। सबसे पहली बात तो ये है, बिल्कुल राकेश, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस्लाम के हिसाब से मेहर ही नहीं तय करते, मेहर तय होता है एक मर्द की हैसियत के हिसाब से, 1400 साल पुराना मिनिमम जो आज के डेट 50 से 30 हजार बनता है वो तय कर देते हैं और उसको देकर ये कहते हैं कि हमने मेहर अदा कर दिया और आपके हमारी जिम्मेदारी खत्म। और इस्लाम कहता है कि तलाक के बाद भी बीवी और बच्चे की जिम्मेदारी आपकी है, ये बात आप नहीं मानेंगे। जहां पर आपको छुटकारा मिल रहा है, महिलाओं को एक्सप्लॉइट करने का अधिकार मिल रहा है, उस पर आप इस्लाम 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 करके अपनी मनमानी करते रहेंगे, मनमानी नहीं चलेगी भाई साहब। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, पहले भी, आज भी और आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आपकी बकौती नहीं चलने वाली है, एंड ऑफ द स्टोरी, आपका गेम खत्म हो चुका है। आप महिलाएं अपना अधिकार मांगेगी, आप इस्लाम के नाम पर महिलाओं को डराकर उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख। ठीक है राशिद शरीफ और मेहरदीन भाई, एक चीज जरूर है और वो सवाल रह भी गया कि आप लोगों की बौखलाहट क्या इसलिए है क्योंकि इससे यूसीसी की तस्वीर साफ हो जाएगी? ये चर्चा आगे बढ़ेगी, फिलहाल वक्त इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।